अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब चैनल रियल प्रैक्टिकल के तवसल से तमाम दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये अजी नुशादर, आज हम आपको नुशादर का हवाई तेल जो तैयार करने का मुकम्मल प्रैक्टिकल है वो आप तमाम दोस्तों की नज़र करेंगे। तो ये जी ठिकरी नुशादर है, तो ये देख लें जी, ये आपने अच्छे वाली जो नुशादर है वो लेनी है। तो ये देख लें जी, ये जनाब चूना है अनबुज, जो डल्ले वाला जो पत्थर वाला चूना है, ये अनबुज चूना है जी। अब हम इनका वज़न करते हैं। तो ये तराजू भी कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो ये पहले हम चूने का वज़न करते हैं, तकरीबन आधा किलो जो है वो हमने चूना लेना है। तो इसको दोबारा से जो है वो सेटिंग करके, तो खैर इसका मैं वज़न जो है वो कर लूँगा। ठीक है, हमने ये तकरीबन आधा किलो जो वज़न लेना है, और ये जो नुशादर है ये भी हम इसको हम बराबर वज़न जो है ना वो वज़न करेंगे इसका बराबर आधा किलो। तो लेकिन इसके बाद जो है हम इसमें से सिर्फ एक पाव जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें जी, आधा किलो नुशादर जो है ये हो चुका है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को जो है ना वो पाउडर करना है। अगर पाउडर ना भी करें तो नुशादर को सिर्फ आप पाउडर कर लें, और बाकी आप चूना इस तरह भी डाल सकते हैं। तो जी ये ना देखें जी, ये हमने एक पाव जो है वो नुशादर लिया, और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये मैंने बारिश का पानी लिया। तो तमाम लोग आम पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको बारिश वाले पानी के साथ इस्तेमाल करूँगा। तो ये मेरे पास एक पाव नुशादर है। सबसे पहले मैं जो है ना वो नुशादर थोड़ी थोड़ी करके इस पानी में जो है वो हल कर दूँगा। तो ये देखिए, पानी के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बूर सा आ रहा है। तो ये मेरे पास जो मशीन थी इसको पीसने वाली, जो ये पीसती थी अपना नुशादर को पीसा जिसमें मैंने, उसमें मैंने पहले जो है ना वो एक मेडिसिन तैयार की थी, एक सफूफ तैयार किया था मैदे के लिए। तो इस वजह से उसमें कुछ मैंने उसको साफ़ नहीं किया था, तो इसी तरह मैंने इसमें नुशादर जो है वो पीस ली। इस वजह से ये जो है ना ये ऊपर जो है वो बुरा सा आ रहा है। तो हम इसी तरह जो है वो सबसे पहले नुशादर को बारिश के पानी में हल करेंगे। तो ये आप देख लें जी, बाकी तमाम लोग जो हैं वो आम पानी से बनाते हैं, लेकिन जो मैं जो बनाता हूँ वो बारिश के पानी से बनाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा यकसीरी होता है बारिश के पानी वाला जो नुशादर का हवाई तेल होता है। तो आप इसको स्किप ना करें, आप इसको जो है वो मुकम्मल देखें, क्योंकि इसमें अभी एक और राज जो है वो आप तमाम दोस्तों के लिए पेश करूंगा। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी अक्सीरी जो है ना वो तेल बनता है, जो हवाई तेल होता है। वैसे तो हम इसको तेल तो खैर कहते हैं बस नाम के लिए, लेकिन होता तो असल में ये लिक्विड है, पानी है। क्योंकि तेल की ये हैसियत होती है कि तेल पानी के ऊपर तैरता है, और तेल जो है वो उसको आग लगती है। तो लेकिन ये जो है इसको आग वगैरह तो हर नहीं लगती, ना ये जलता है। तो अब हम इस पानी को जो है ना वो सबसे पहले छान लेंगे, ताकि हमारी जो कसाफतें हैं इस पानी में जो हमारी नुशादर में मिक्स थी, तो वो इससे दूर हो जाएं। आप किसी भी तरह से ये जो है ना कोई मलमल का कपड़ा या कोई बारीक जालीदार कपड़ा जो है वो लेके, तो आप इस तरह इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, इसको पून लें, अच्छी तरह से छान लें, ताकि जो आपकी नुशादर में जो कसाफतें हैं या कोई इस तरह का कोई भी अगर चीज़ हो। तो ये देखें मेरी जो नुशादर थी इसमें कितना मुझे ये फजला जो है वो बरामद हुआ है। तो इसी तरह आपने जो है ना वो सारे का सारा
जो पानी है जिसमें आपने नुशादर को हल किया, आप इसको मुकतर भी कर सकते हैं। ये कोई लाजम नहीं कि आप इसको कपड़े से छानें, जिस तरह आपका जी चाहे आप उस तरह कर सकते हैं, लेकिन मुकतर करने में ज़्यादा वक्त लगता है, उसमें टाइम का ज़्यादा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको कपड़े से छान रहा हूँ। तो ये हमारा नुशादर वाला जो पानी है ये तैयार है, आप देखते जाएं। अब मैं इसको जो लैब वाला जो जग होता है प्लास्टिक का, अब इसमें सारे का सारा ये पानी डालूंगा। और ये मैंने जो पानी का जो वज़न लिया था ये 3.5 से 4 लीटर के करीब मैंने ना ये पानी का जो वज़न लिया था, जो क्वांटिटी थी पानी की वो 3.5 से 4 लीटर थी। आप इसमें 3 लीटर ऐड करना चाहें, जितना भी आपको अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा ऐड करें या ज़्यादा, लेकिन इन दिनों जो है वो नमी का भी मौसम है और बारिशों का मौसम है, नमी काफ़ी है। तो ये जनाब चूना अनबुझ ये 0.5 किलो जो है मैं डालूँगा। मैंने नौशादर 1 पाव ली और चूना जो है वो 0.5 किलो डाल रहा हूँ, ताकि ये जो है ये एक अक्सीरी सिफत में जो है वो नौशादर का हवाई तेल तैयार हो, क्योंकि जो चूना है ये भी बहुत बड़ा छोड़ है, तो इसलिए मैं चूना जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। तो जब आप इसमें चूना डालेंगे तो पहले तो इसमें बिल्कुल हल्का हल्का, बाद में इसमें फुल जो है ना वो आपको मुख्तलिफ जो है गड़गड़ाने की आवाज़ें आएंगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता से फिर जो है वो ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो आपने चूना जो है वो अच्छे वाला लेना, अनबुझ लेना है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो हम इसमें डाल देंगे। ये आप इसको देखते जाएं, और जितने भी चैनल के ऊपर नए आने वाले साथी हैं वो रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मज़ीद नई इंफॉर्मेशन के लिए और नए प्रैक्टिकल देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो जो है उसको पूरा देखें। अगर कोई आपने हमसे नुस्खा शेयर करना है या कोई बात पूछनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा फ़ोन नंबर भी थंबनेल के ऊपर दिया गया है, आप हमसे फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी आप मैसेज करें, वहाँ पे आप कॉल मत करें जी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें जी। तो ये नुशादर का जो हवाई तेल है ये सारे लोग बना लेते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं उनकी बड़ी फरमाइश थी इसके ऊपर कि आप नुशादर का हवाई तेल जो है वो बना के दिखाएं। तो मुझे वैसे भी चाहिए था, ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जो है ना वो एक वीडियो बनाई जाए, ताकि जिस तरह से मैं नुशादर का हवाई तेल बनाता हूँ तो तमाम दोस्त देख सकें कि जिस तरह मैं नुशादर का हवाई तेल तैयार करता हूँ, तो उनके पास भी ये जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो मेरा इलम है, जो मेरे पास जितना मेरे पास है वो तमाम दोस्तों तक पहुँच सके। तो ये देखें इसमें ना हल्का हल्का जो है वो रिएक्शन जो है वो शुरू हो रहा है, और हमने इसमें जो है ना वो 0.5 किलो चूना डाला है और 1 पाव जो नुशादर ठिकरी है हमने इसमें डाला है। अब हम इसको किसी लकड़ी की मदद से जो है ना वो इसको खूब हिलाएंगे, इसको अच्छी तरह हिलाना है जी। तो जी ये हमने इसको जो है ना वो 4 दिन इसको हिलाया और 5वें दिन हम इसका मुकतर ले रहे हैं, और ये जिसके ऊपर एक जली एक मलाई सी आ रही है ना, इसके मतलब भी कभी बात करेंगे। ये सबसे बड़ा राज है कीमिया का, ये जो किसी भी तेल के ऊपर ये जो जली आती है, ये देखें आप एक मलाई सी आती है, जली आती है, तो ये एक बहुत बड़ा राज है कीमिया का। जो इस जली को समझ गया ना समझ लें वो कीमिया में कामयाब हो गया। बड़े बड़े उस्ताद होंगे लेकिन इस जली के मतलब जो है ना वो कोई बंदा नहीं जानता, तो सब किताबी बातें करते हैं और सुनी सुनाई बातें करते हैं। और ये जो जली है इसकी आप जितनी भी तारीफ़ करें ये उतनी कम है,
ये जली जो है, ये जो बलाई होती है किसी भी चीज़ के ऊपर, यही उस चीज़ का असल जौहर होता है। तो ये बहुत अक्सीली होती है और ये खुद एक छोड़ होती है, ये भी याद रखें। और अगर आगे इसको किसी काम में लेना चाहिए तो ये खुद बहुत जारी होती है, या जो जल्दी इसके ऊपर आ रही है। तो खैर इसके ऊपर खैर कभी बाद में बात करेंगे। तो खैर इसको हम अच्छी तरह से कपड़े से 2-3 बार जो इस तरह निचोड़ लेंगे, ताकि इसमें जो मुकतर जो हमारा पानी है वो अच्छी तरह से जो है ना वो मुकतर हो सके, और इसमें चूना जो है वो नहीं आना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो हमने इसको 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया, हिलाते रहे सुबह शाम, दिन को भी जब वक्त मिला तो हम इसको बार बार जो है वो हिलाते रहे। तो अभी ये जो हमारा बर्तन है ये छोटा है, और मैंने ये मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसमें ये बाटी है स्टील की, तो इसमें थोड़ा सा ना ये इसमें पहले भी नुशादर का एक अमल और शोरे का किया हुआ है, और गंधक का, मैंने गंधक और शोरा जो वो इकट्ठे मिलाए थे, तो उसकी वजह से इसमें जो है वो निशान है, दाग है नीचे, जंगार सा है। तो खैर मैं इसको किसी और बर्तन में पलट के तो इसको आग के ऊपर रखूँगा, कोई साफ साफ बर्तन लें। तो चूल्हा जो है वो हमारा जल रहा है। अब हम ऐसे करेंगे कि इसको किसी बर्तन में डाल के तो इसको आग के ऊपर रखेंगे। खैर फ़िलहाल जो है वो मुझे दूसरा बर्तन नहीं मिला, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो नरम नरम आग के ऊपर जो है इसको हम उबालेंगे, और जो हमारे पास बाकी जो ये बचा है चूना जो हमारे पास, अब हम इसमें दोबारा से पानी डालेंगे, और पानी डाल के तो इसको फिर जो है हम हिलाएंगे, और फिर इसको जो है ना वो 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो बाकी जो बचा हुआ नौशादर जो बाकी रह गया वो भी हम इसमें से निकाल सकें। आप बाकी वाला ना भी निकालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो इसको निकालूंगा, मैं इसको ज़ाया नहीं करूंगा। तो जी ये हमने बर्तन को बदली कर लिया, तब्दील कर लिया, तो ये जनाब फिर से दोबारा से जो है हमने फिर दोबारा उसी बर्तन को यूज़ किया, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो खैर बर्तन जो बार बार बदलना पड़ा। तो ये खुश्क होने के करीब जा रहा है जी हमारा नुशादर, ये बिल्कुल नरम नरम आग के ऊपर है, ये देखिए साइडिंग के ऊपर जो है वो नुशादर इस तरह से आपको जमा हुआ मिलेगा। तो ये मज़ीद जो है वो कुछ वक़्त के बाद ये देख लें इसकी ये कैफियत है। तो इसी तरह आपने इसको बिल्कुल नरम नरम आग के ऊपर खुशक करना है। और ये बात याद रखिए कि बहुत से लोग जब नमक तैयार करते हैं तो उनका नमक जो है वो स्याह होता है, या ये कलेजी माइल होता है, सुर्खी माइल होता है। तो याद रखिए कि जो नमक होता है जो इस तरह वो अक्सर जो नमकियात हैं वो सफ़ेद ही होते हैं, और इन नमकियात को भी सफ़ेद बनना चाहिए। अगर किसी का स्याह या इस तरह का रह जाए तो उसको मज़ीद हीट दे तो ये भी सफ़ेद हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये जब सूखने के बिल्कुल करीब आ जाए तो आपने इसको वक्फे वक्फे के साथ इस तरह आपने इसको पकड़ के तो हिलाते रहना है। ये देखें जी, ये आपने इसको पकड़ के तो इस तरह हिलाते रहेंगे, तो इस तरह फिर ये इसके तलवे में नहीं चिमटेगा नुशादर जो है आपका, तो ना ये इतना ज़्यादा जलेगा। तो जी ये नुशादर बिल्कुल खुशक होने के करीब है, तो अभी हम इसको फिर हिलाएंगे। ये देखिए ये लास्ट में एक जाग सी बनती है नुशादर की, तो ये आप देखें जी, तो बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह कुछ अक्सीरी अमाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और नीला बा करंट और तेजाब गंधक ही गंधक निकाल के उसको जारी करना, और उस जारी गंधक से किस तरह माल बनता है बाजारी नुकरा का, वो भी आपकी इंशाल्लाह खिदमत में बहुत जल्द जो है वो पेश करेंगे। तो इसलिए वीडियो बनाने को दिल नहीं करता कि बहुत से जो लोग हैं वो उनको हसद की मार पड़ी हुई है, तो वो तनकीद और तंज के ऊपर, हालांकि जो भी मैं बनाता हूँ मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे नुस्खे बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए हैं, और
मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके लिए नेक दुआएं हैं मेरी कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद जो है वो कामयाब करें। तो जी ये देखें, ये इस तरह से नुशादर जो है वो अभी ये अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ, अभी ये सूखा नहीं है, लेकिन ये नीचे से सूख चुका है। अभी ऊपर देखें इसमें नमी है, तो इसको हम अच्छी तरह से जो है वो खुश्क करेंगे नुशादर को। इसके नीचे जो है वो आग जल रही है, तो ये बिल्कुल जो है वो सफ़ेद होगा नुशादर। तो फिर हम इसको जो है वो हवा में रख देंगे। तो इसके साथ जितने भी नए आने वाले साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें और शेयर करें। तो जी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नुशादर को यहाँ पे स्याह कर देते हैं, जला देते हैं, तो उनसे यही जो है वो राज होता है कि फिर वो बोलते हैं जी हमारा जो नुशादर है वो सही तरह से नहीं बना। तो जी हमारा जो नुशादर है अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, अब हम इसको जो है वो छोड़ देंगे, इसको हम नमी में रखेंगे। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दिन के बाद ये देखें कितना तेल इसमें से जो है वो निकल चुका है। तो अभी कुछ नुशादर जो है वो जमा हुआ है, तो इंशाल्लाह 2 दिन मज़ीद छोड़ेंगे तो इसको फिर मुकद्दर करेंगे और आपको इसका तेल का दिखाएंगे। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास नुशादर का जो हवाई तेल बना था हमने इसको मुकद्दर किया, तो ये आप तमाम दोस्तों के सामने है जी, ये आप देख सकते हैं ये नुशादर का हवाई तेल है जी। तो जितने भी साथी हैं मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।